Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share. You are watching News DNN. For latest national and international news updates, log on to newsdnntv.com. Or download our application News DNN from Google Play Store. पंजाब की नौजवानी के बाद अब पंजाब के खिलाड़ी भी विदेशों का रुख कर रहे हैं, क्योंकि सरकारों की तरफ से इन खिलाड़ियों को बनता मान सम्मान नहीं दिया जा रहा, जिस कारण यह खिलाड़ी मजबूरन विदेशों का रुख कर रहे हैं। ऐसा ही एक गुरदासपुर का रहने वाला गोल्ड मेडलिस्ट हैंडबॉल का खिलाड़ी सरबजीत सिंह, जो पंजाब को छोड़कर अब दुबई में एथलीट में अपने जोहर दिखा रहा, अपने देश का नाम रोशन कर रहा है। परंतु इस खिलाड़ी को अपनी सरकारें प्रति काफी रोष है, क्योंकि हैंडबॉल में गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद इसको आगे खेलने के लिए उस समय की सरकारों ने ना कोई सहयोग दिया, ना कोई नाम, ना कोई नौकरी, जिस कारण इस खिलाड़ी को अपना देश छोड़ विदेश जाना पड़ा। भाई मैं हैंडबॉल खेलता रहा, तो 85 मैं DAV हाई स्कूल हैंडबॉल जी मैं शुरू की सी, तो उस तो बाद मेरी सिलेक्शन स्पोर्ट्स विंग पठानकोट हुई सी, तो उतों मेरी सिलेक्शन फिर नैशनल स्कूल टीम वास्ते हुई सी, ते नैशनल स्कूल खेडां जिहड़ियां दिल्ली विच हुई सीगियां, ते उत्थे साडी टीम ने पहला स्थान प्राप्त किया सीगा। ते दिल्ली दे लेफ्टिनेंट गवर्नर जिहड़े सरदार अर्जन सिंह जी जिहड़े सीगे उस टाइम दिल्ली दे लेफ्टिनेंट गवर्नर सीगे, उन्होंने गोल्ड मैडल जिहड़ा सीगा ओह मैनूं दित्ता सीगा, साडी टीम ने पहला स्थान जिहड़ा ओह प्राप्त किया सीगा। मैं पंजाब दे राजपाल OP मल्होत्रा जी जिहड़े सीगे पंजाब दे राजपाल, मैं उन्हां कोलों सम्मानित हो चुकिया। फिर गुरदासपुर तो भी मैं 26 जनवरी से DC साहब तो सम्मानित हो चुके हैं, और भी कई IAS और IPS अफसर तो मैं सम्मानित हो चुके हैं, क्योंकि कोई सपोर्ट मैं नहीं मिली, किसी भी तरह की कोई सपोर्ट मैं नहीं मिली। मैं पंजाब के मुख्यमंत्री उस टाइम के जो मुख्यमंत्री थे सरदार बेअंत सिंह जी, मैं फेस टू फेस उन्होंने जाके गल की सी, उन्होंने एप्लीकेशन भी दी सी, फिर उस तो बाद शिक्षा मंत्री थे उन्होंने भी लैटर वगैरह दिता सीगा मैं, तो उन्हें भी कोई सपोर्ट इन्नी ज़्यादा मैनू नहीं की, कोई सपोर्ट मैं मिली नहीं सपोर्ट के, क्योंकि खेडन वास्ते पैसे की लोड़ हुंदी है, तो पैसा मेरे को इन्ना ज़्यादा है नहीं सीगा, तो ना मैं इस तरह मैं अगे नहीं बढ़ सकिया, क्योंकि जो मेरे कोई जॉब हुंदी तो मैं अगे बढ़ता, तो मेरी इच्छा सी कि मैं इंटरनेशनल खिलाड़ी बनता, तो तिरंगा लैके मैं देशों के जाता, तो अपने देश का नाम रोशन करता। पर बड़े दुख की गल है, मैं कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं की, इसलिए मैं लेबर दे लई फिर दुबई चला गया। मैं काफ़ी टाइम तक इंडिया दे विच गेम कीती, पर जो मैं नहीं सपोर्ट कोई मिली तो फिर मैं इंडिया छड़ दिता, तो दुबई चला गया। मैं जॉब वास्ते अप्लाई किया, PND जॉब दे लई मैं DSO गुरदासपुर नूं लिखिया सीगा, उन्होंने लैटर मेरा जिहड़ा वह रिकमेंड करके उपर भेजा सीगा, मैं दिता, तो फिर उस तो बाद शिक्षा मंत्री जिहड़े साडे गुरदासपुर दे सीगे उन्होंने जाके मैं लैटर दिता सीगा कि इस तरह वैकेंसी कर ली है, पर उतों भी टालम टोली करके मैं उन्होंने वापस भेजा, तो मैं आ गया वापस। काफ़ी टाइम वेट किया कि शायद कोई ना कोई लैटर मैं आएगा गवर्नमेंट का, तो काफ़ी लंबा टाइम जो हो गया तो मैं कोई सपोर्ट नहीं जो मिले, तो फिर मैं दुबई वास्ते लेबर दे लई मैं दुबई चला गया। पैसा चाहिए सीगा फैमिली नूं पालन वास्ते, सपोर्ट चाहिए सी, तो पैसा मेरे को इन्ना ज़्यादा है नहीं सीगा, तो फिर मैं लेबर दे लई दुबई चला गया। उत्थे जाके मैं 5-6 साल ऐसा धक्के धुके खाते, लेकिन मेरे मन के अंदर सीगा कि मैं तिरंगा लै के दुबई दे विच जावां, पर मैं नहीं सपोर्ट कोई मिली। मैं उत्थे अथलैटिक्स शुरू की जाके, तो 4-5 साल प्रैक्टिस करने के बाद फिर मैं 21 किलोमीटर 10 किलोमीटर 7.5 किलोमीटर जी सैंड रंबल के उत्ते जी रेस होंगी उन्होंने मैं फिर हर साल जरा पार्टीसपेट करता, हूँ 6 दिसंबर में मैं 21 किलोमीटर कंप्लीट करके आया। मेरे को 24-25 मैडल है जो मैं दुबई के ले ने पार्टीसपेट किया उत्थे जाके, तो मन के मेरी इच्छा सी कि मैनू इंटरनेशनल टीम के सपोर्ट मिलती तो मेरी सिलेक्शन होंगी, तो मैं जाता तो देश का तिरंगा लैके मैं स्टेडियम के दौड़ता, तो लोगों को पता चलता कि इंडियन है, लेकिन कोई सपोर्ट ना मिलने करके फिर मैं जो एथलैटिक्स होते कोई भी होंगी है 21 किलोमीटर या 10 किलोमीटर तो मैं देश का तिरंगा झंडा लैके पूरी रेस जी है वो कंप्लीट करना, तो लोग देखते कि तिरंगा झंडा मतलब कि फड़िया, तो बहुत सारे लोगों को पता भी है कि इंडिया का तिरंगा, तो फिर बहुत लोग खुश भी होंगे, तो साढ़े भी मन खुशी होंगी है, क्योंकि बहुत सारा इंडियन जरा दुबई के हैगा, तो जो स्टेडियम के निकलते हैं तिरंगा लैके तो तिरंगा देख के लोग तालियां मारते हैं, तो मन बड़ी खुशी होंगी है। गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं करती, या तो लोग बाहर चले जाते या फिर नशे नुशे वाले पास चले जाते हैं,
हाँ दुबई गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है मतलब कि पंजाब सरकार ने सानू कोई सपोर्ट ही नहीं की। अगर सपोर्ट की होंगी तो असं भी अब बहुत वड्डी पोस्ट उत्ते बैठे होना सीगा, पर गवर्नमेंट ने कोई भी सानू सपोर्ट जी नहीं की। नहीं उस टाइम मैं उस टाइम भी किया, मैं मुख्यमंत्री को जाके मिलिया सीगा, तो उस तो बाद किसी गवर्नमेंट नाल मैं क्योंकि मैं बाहर चला गया, फिर किसी गवर्नमेंट नाल कोई रास्ता मैं मेरा नहीं हो सकिया। तो मैं चाहता कि साढ़े नाल इस तरह होया, अगे जी नवी जनरेशन है गवर्नमेंट उन्होंने सपोर्ट करे ताकि लोग जड़े वो नशे वाले पासे ना जान। बड़ा दुख हों जो पता चलता कि फलाना बंदा नशा करता सीगा, 18 सालों की उम्र सी तो वो डैथ हो गई है, तो लोग नशे वाले पासे ही ज़्यादा जा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं कर रही, तो लोग नशे वाले पासे बहुत सारे लोग छड़ के जा रहे, गेमां छड़ के लोग बाहर जे नहीं सपोर्ट कर रही गवर्नमेंट तो लोग गेम छड़ के चले जाते हैं। अगर सपोर्ट नहीं मिलती किसी सपोर्ट नहीं मिलती अगर किसी को भी गवर्नमेंट वालों तो वो लोग गलत पासे चले जाते हैं। तो गवर्नमेंट की फेलियर मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट जी है वो छोटे तो ही बच्चे जो सपोर्ट करे ताकि वो देश का नाम जो अगे जाके रोशन रोशन